गया था, क्योंकि पूरे देश का संगठन डिसॉल्व हो गया है, पूरे प्रदेश में। अभी मैं पंजाब जाऊंगा, वहां भी कार्यकारिणी खत्म कर दूंगा। आज बिहार की कार्यकारिणी खत्म हो गई, उत्तराखंड की खत्म हो गई, दिल्ली की खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश की खत्म हो गई थी। वहां मजबूती के साथ प्रदेश के नेता हमारे लगे हुए हैं संगठन को दुरुस्त करने में। खत्म करने का मतलब जानते हैं क्यों? मैंने क्यों कहा डिसॉल्व कर दूंगा? इसलिए मैंने कहा कि जब संगठन डिसॉल्व होता है तो उसी युवा कार्यकारी में से हम उठा करके मेन बॉडी में रख देते हैं। जो मेन बॉडी में मजबूत कार्यकर्ता मिलता है, जो कहता है कि नहीं नेता यहां के साथ चलना चाहते राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश कार्यकारी के नेताओं को भी निकाल करके राष्ट्रीय कार्यकारी में शामिल करके उनको अवसर देने का काम करते हैं। तुम राष्ट्र में जाकर काम करो, क्योंकि तुम अच्छा काम करते हो, तुम अच्छा बोल सकते हो, तुम अच्छी व्यवहार करते हो, इसलिए तुमको राष्ट्र में रहने की आवश्यकता है। हम तो खुद ही प्रमोशन देते हैं, तो यह हो गया। कोई प्रमोशन लेना चाहता हो संगठन में? कोई प्रमोशन चाहत हुआ यहां पर? चाहत हुआ भाई प्रकाश जी, कहां रह जाते हो भाई? नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगा तो जो भी हमें मजबूत कार्यकर्ता दिखेगा, क्योंकि विनोद जी अभी बोल रहे थे मुझे बड़ा अच्छा लगा, ताली बजा के भैया का स्वागत करिए। वही चीज मैं भी चाहता हूं। आज आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं एक दिन रेवती में रात को 9 बजे भाषण दे रहा था, जहां से मैं चुनाव लड़ा हूं, और बिट्टू भैया आपका थोड़ा सा है, अरे हमके देखो पहली बार चुनाव लड़ने, पहली बार मैं चुनाव लड़ा, मेरी बचपन से इच्छा थी, ब्याहे खाते लोग परेशान हुआ घरे वाले, अब बचपन से मेरी इच्छा थी कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊंगा तब तक ब्याह शादी नहीं करूंगा। और प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया कि अभी तो के चुनाव लड़ेगा। हम और शक्ति भाई जा रहे थे बनारस में संगठन दुरुस्त करने के लिए, फोन आता है, प्रधानमंत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं ओम प्रकाश सिंह, उन्होंने फोन किया हमारे नंबर पर कि प्रधानमंत्री जी आपको याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे? हाँ हाँ, आपसे मिलना चाहते हैं। हम तो बनारस जा रहे हैं संगठन की बैठक लेने, तो क्या ऐसा है कि आपके मोबाइल पर टिकट भेज दिया गया है 2 लोगों का, आप तत्काल आ जाइए। सीधे बनारस से फ्लाइट पर बैठे सनसना के पहुंच गए हम दिल्ली, गाड़ी वहां खड़ी थी, गए प्रधानमंत्री जी के हम मात्र 5 मिनट गया, हाथ हाथ मिलाया, घंटा दिन कहा है जब हमके साथ ठीक ठाक सहन, तो हमें चुनाव लड़े के बाद कहां से है 5 दिन से हमके ठीक बात, जबकि मैं तैयारी कर रहा था बलिया के सिकंदरपुर सीट पर तैयारी कर रहा था, बनारस के शिवपुर सीट पर तैयारी कर रहा था, मैंने मन भी याद रहा था कि शिवपुर से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि शिवपुर में हमने बहुत काम किया था, वहां तमाम नौजवान साथी, जब हम वहां से हमको टिकट नहीं मिला तो तमाम लोगों ने कहा भैया क्या किया जाए, हमके भैया भाजपा और भाजपा गठबंधन हो गई बात, जो भी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आएगा झूम कर उसको मतदान करना, ओम प्रकाश राजभूषण के नाम पर, और अर्जुन राजे जा रहे हैं 5 दिन चुनाव लड़ने के लिए, और प्रधानमंत्री जी सीधे कहा कि जाओ तुम 5 दिन चुनाव लड़ो, तुम्हारे प्रचार में मैं आऊंगा। और मैं बिना कुछ कहे मात्र साथियों 13 दिन में चुनाव लड़ा, मात्र 13 दिन में, 7 दिन तो खाली हमको गाली मिला, 7 दिन हम और सकते भैया खूब धुएंधार गाली सुने, जिधर जाने जरा खाली साथ खाने दे ये भी कर सब जिधर जाए, मतलब कि मैं खाना खाता था आगे या आगे बैठते थे तो पीछे से गालियों देते थे, आया हुए चुनाव लड़ रहे यहाँ पर, आप बना से आता चुनाव लड़ लड़के भाग गए, ये वो कटवा हो ये सब भैया बताइए हाँ, ये वो कटवा होता और पाई बोलने के सब नहीं, मतलब कई प्रकार की प्रतिक्रिया लोग देते थे। 7 दिन के बाद हम कहने ऐसे न मनिया मंगवाया 10 फॉर्चूनर 10